वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो एक बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन जो कि मेरे पास आ रहा था कि भाई आपने अपनी जिप्सी को ठीक कराया कि नहीं कराया, या फिर ठीक करवा दिया तो क्या क्या चीज़ें हुई कैसे नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो है उसी के ऊपर रखी जाए। बहुत सुबह सुबह मैं इसको शूट कर रहा हूँ, इवन मैंने नहा भी नहीं रखा है और धूप जो है वो फुल पावर हो रखी है। ठीक है, तो मैं अपने फेवरेट स्पॉट जहाँ पर पोचनपुर के पास मैं शूट करने आता हूँ वहीं पर मैं आया हूँ। कोई नहीं है, नहीं तो यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही होती गाड़ी की, और अपनी गाड़ी जो है वो पीछे खड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें जो है मैंने अपग्रेडेशन और चेंजेस में करवाई है, और उसके बाद क्या लुक आ रहा है। और गाड़ी बहुत तोड़ू लग रही है भाई, क्योंकि मैंने पूरी इसमें जो है रबिंग पॉलिशिंग सब चीज़ें सही तरीके से करवा दी थी। स्टिल जो मतलब गाड़ी का लुक था ना, जैसे गाड़ी का पहले लुक था वो थोड़ा सा और अच्छा निखर के आ गया, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल क्लीन है और मस्त वाली बिल्कुल लुक आ रही है। तो सबसे पहले गाड़ी देखो, उसके बाद मैंने आज का सोचा है थोड़ा गोप्रो लगाते। लोग कहते हैं कि भाई गोप्रो लगा के इसको भी चला के दिखाओ, तो भाई थोड़ा सा मेरे अंदर भी ये था, मैंने गोप्रो जो है लेके आया हूँ। तो पूरा ऊपर लगाएंगे और गाड़ी को चलाएंगे, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसा जो है मज़ा आया। भाई वेट कर रहे थे मेरी गाड़ी का, तो सबसे पहले भाई गाड़ी देख लो, बिल्कुल रफ एंड टफ हो रखी है। और जहाँ तक आप बात करोगे पेंटिंग के बारे में, सबसे पहले मैंने ये वाला पार्ट अपना पेंट कराया, उस तरफ भी थोड़ा पेंट कराया। ठीक है, और इसको पेंट कराने का रीज़न ये है कि थोड़ा सा जो है इसमें से कह सकते हो आप लोग कहीं ये टकरा टुकड़ू गई थी, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो इसी के साथ में अगर आप लोग साइड वाले पैनल के बारे में बात करोगे, तो ये वाला जो पैनल था यहाँ पर थोड़ी सी रस्टिंग हुई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे उसको पूरा ठीक करवा के जो है उसके बाद मैंने इसको रीपेंट कराया। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मैट कलर मैच करना बहुत मुश्किल होता है। पहले मैंने कहीं पर गाड़ी दी थी, वहाँ पर मेरे को मज़ा नहीं आया, सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं हुआ, तो मैंने दूसरी जगह से जो है इसका काम करवाया। जहाँ तक आप बात करोगे, जब पूरा अगर देखोगे ना, यहाँ तो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो पेंट की जो क्वालिटी है वो बड़ी धांसू है, और अभी तक स्टिल इट्स गोइंग सुपर ग्रेट। जहाँ तक आप बात करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दो तीन स्क्रैच लगे थे, इसको टचअप करवा दिया। पीछे का जो डोर है उसको हम लोगों ने पूरा रीपेंट करा दिया, अभी डीबैजिंग हो रखी है पूरी इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें ज़रूरत है कि नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तभी लगाऊंगा। एग्जॉस्ट जो है इट्स गोइंग सुपर लाउड, मज़ेदार हो रहा है। तो मैंने फिर से जो है ऑटोमैक वाला अपना एग्जॉस्ट इसके अंदर लगा दिया था, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी लाउडनेस और ज़्यादा चाहिए थी। ठीक है, बाकी अगर आप बात करोगे रबिंग अबिंग के बाद, तो ओके चल रही है गाड़ी। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है और दिखाने को, अब चलते हैं सीधे गोप्रो लगाते हैं और थोड़ा ड्राइव करता हूँ, और फिर जो हूँ आप लोगों से और अच्छी तरीके से बात करूँगा। बाकी गाड़ी की परफॉर्मेंस एक नंबर, अभी भी दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो। तो गाड़ी आज भी जो है हमारी हाफ सेल्फ में हमें मज़े दे देती है। ठीक है, हाफ सेल्फ में गाड़ी ऑन है, और अगर एग्जॉस्ट का नोट आप लोगों ने देखना है, ठीक है, बाकी गोप्रो यहाँ पड़ा है, इसको लगाते हैं और फिर आपसे और बातचीत करेंगे। वी आर गुड टू गो। मेरे को शीशे बंद करने पड़ेंगे शूट करते वक्त, तो दिक्कत होगी। ठीक है, दूसरी चीज मेरे को सीट बेल्ट जरूर पहननी है। और आप लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड हो, कुछ भी हो भाई, सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टार्ट करते हैं अपनी ये जर्नी। जिन जिन को नहीं पता भाई, ये मैंने जिप्सी जो है अपने चॉइस और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई थी। इसकी एक बहुत अच्छी सीरीज है, अगर आप लोग देखना चाहो तो उस सीरीज़ को देख के बिल्कुल आप लोग जो है मेरे को बता सकते हो। तो अगर आप लोग देखोगे ना, तो गोप्रो जो है वो जितने बेस्ट तरीके से, जितनी बेस्ट पोजिशन में मैं प्लेस कर सकता हूँ, मैंने कर दिया। ठीक है, विंड ब्लास्ट होना स्टार्ट होगा तो मुझे बंद ही करना पड़ेगा शीशा। इस गाड़ी के अंदर जो है एसी भी था, लेकिन ड्यू टू सही कोई भाई मेरा इस गाड़ी को लेके गया था और उसने नीचे से मेरा पूरा फोड़ दिया, तो उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिला वो काम करवाने का। और थोड़ा सा कम चलाता हूँ इसको आजकल, क्योंकि किया ले ली थी मैंने उसके बाद, लेकिन स्टिल ये आज आग की स्पीड में भागती है। तो आप लोगों के लिए मैं इसको भगा के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको चला भी रहा हूँ, मज़ेदार फीलिंग आती है इस गाड़ी को चलाने में ना काफ़ी। सो यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं लेफ्ट। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली जिप्सी के साथ, मेरे को मेरी जिप्सी जब मैंने तैयार कराई थी उसके बाद बहुत सारी क्वेरी आई कि भैया क्या हम भी जिप्सी बना सकते हैं। भाई बिल्कुल आप जिप्सी बना सकते हो। जब मैंने जिप्सी बनवाई थी, कोई मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन यही बात थी कि मैंने जितने हो सके उतने नए पार्ट जो है इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कराए थे, जिसकी वजह से इस गाड़ी ने परफॉर्मेंस वाइज जो है मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब देखो ये जो 4x4 वाला अपना पूरा जो मतलब कहते हैं कि भाई ये लगा के चलाना चाहिए, तो मैं इसको बीच बीच में कभी कभी लगा लेता हूँ और टेस्ट जरूर करता हूँ, नहीं तो बोलते हैं कि इसमें भी दिक्कत आ जाती है। मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी है। एक बार ये जब मैं देहरादून नहीं गया, कहीं नहीं कहीं पर गया हुआ था, वहाँ पर जो है ये पहाड़ों में चढ़ जब चला रहे थे तब हम लोगों ने लगाया था। ठीक है, और भाई भपका बन गया गर्मी के अंदर, थोड़ा सा खोल देते हैं क्योंकि हम तो धीरे ही चल रहे हैं। तो विंड ब्लास्ट जो है वो अब आप लोगों को आना स्टार्ट हो गया होगा, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता।
फील्स रियली नाइस, जो मतलब नेक्स्ट लेवल वाली जो फील होती है वो फील जो है वो इसके अंदर आ रही है। सो यहाँ से हमारा कैमरा जो है वो बस निकलने वाला है, उसके बाद हम शीशे बंद करेंगे। चलो भाई, और इस गाड़ी के अगर आप टॉप स्पीड के बारे में बात करते हो तो टॉप स्पीड जो है वो हम लोगों ने 120 तक भगाया हुआ है, वो भी अपने मनाली वाले ट्रिप में हमने भगाया था हाईवे में। वैसे लोग बोलते हैं कि इसको रीमैप कराओगे तो 140 भी भाग जाती है, लेकिन अपनी गाड़ी को ऐसा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को इससे रेसिंग तो करनी नहीं है। हमने अपने शॉप के लिए इस गाड़ी को तैयार कराया है और शॉप के अकॉर्डिंग जितना भागती है उतने में तो सेटिस्फैक्ट्री है। और इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत, जहाँ ये रुकती है वहाँ पर ये लोगों की नज़रें ले जाती है अपने साथ, सबके सब लोग जो होते हैं वो इस गाड़ी की तरफ ही देख रहे होते हैं कि भैया क्या सीन है, कौन सी गाड़ी आ गई, कहाँ से लेके आ रहे हैं। एंड इवन इसका जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी लाउड है, तो आसपास के लोगों को बटोरी लेती है भाई, और रिपेंटिंग ही पेंटिंग हो गई है। और लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि भाई अब नेक्स्ट ट्रिप क्या है। भाई नेक्स्ट ट्रिप मोस्ट प्रॉब्ली हो सकती है कि अगले महीने के स्टार्टिंग में जो है इसकी एक ट्रिप आ जाए, लेकिन वही आता है गर्मी वाला थोड़ा सीन जो है वो ज़्यादा हाइक में है, थोड़ा गर्मी अगर कम हो जाए, कोविड वाला सीन तो चल ही रहा है। बाकी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इसको एक तो बड़ी हम लोगों ने किसी ड्राइव में लेके जाना ही है, देखते हैं पहले कहाँ से शुरुआत होती है। बाकी मेरी जो जिप्सी है ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि भाई इसने मेरे को बनाया है और कहीं ना कहीं लोग मेरे को इससे भी रिकग्नाइज करते हैं। तो गाड़ी बहुत ओके, इससे मेरे को प्यार बहुत है। मेरा इसको बेचने का कोई प्लान नहीं है, जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं कोई प्लान नहीं है, तो कोई प्लान नहीं है, ठीक है। तो ड्राइव में यही है कि भाई अपनी जिप्सी है ओके नंबर, और बहुत जल्दी हम लोग जाने वाले हैं कहीं पर इसको लेके। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो मोस्ट प्रॉब्ली या तो हम लोग मोहाली के लिए ट्रेवल कर रहे होंगे या फिर हम लोग ऑलरेडी मोहाली पहुंच चुके होंगे। हम लोग मोहाली क्यों जा रहे हैं, एक ज़बरदस्त न्यू स्टोर की ओपनिंग हो रही है, जो कि क्या स्टोर होगा आप लोग सोच लो, और मैं उसका बड़ा ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि भाई पसंद है मेरे को वो स्टोर ना, तो उसकी ओपनिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ पर कुछ वीडियो भी शूट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली व्लॉग भी आएगा। और होप फॉर द बेस्ट, वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिखिए MUSAFIR7011 यानी कि मुसाफिर 7811, फेसबुक में फॉलो करना, लिखिए मुसाफिर स्पॉट। तो नेक्स्ट चीज़ जो लाइफ में अभी हमने गोल बना रखी है वो है अपना वेट कम करना, क्योंकि मैंने एकदम से बहुत वेट पुट ऑन कर लिया लॉकडाउन के बाद, बहुत ज़्यादा वेट जो है मेरा बढ़ गया, तो करेंगे इसके ऊपर काम और कुछ अलग और बेटर जो है आप लोगों के लिए आउटपुट लेके आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड